कैसे हो? माई सिटी कार्स की एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आप सभी को लेकर आ गई हूँ इंदौर में कमर्शियल व्हीकल पे। जैसे कि आप लोग कुछ टाइम से मेरी कमर्शियल व्हीकल्स की वीडियो देख रहे हो, तो अभी तक मैंने आपको आइसर दिखाई थी और ब्लेरो पिकअप दिखाई थी, छोटा हाथी दिखाई थी। आज मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ बसेस, क्योंकि काफ़ी लोगों की कमेंट आई थी मुझे कि हमें बसेस चाहिए, तो उन लोगों के लिए खासकर ये वीडियो होने वाली है। जैसे कि इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको 5 से 6 बसेस दिखाने वाली हूँ। कंडीशन, डिटेल्स और प्राइस, सारी चीज़ें हम वीडियो के अंदर जानेंगे, तो वीडियो के अंदर बने रहिए। और वीडियो अच्छी होने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और यहाँ के जो ओनर हैं उनसे हम यहाँ का एड्रेस, गाड़ियों की डिटेल, सारी चीज़ें हम वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, माई सिटी कार्स की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को लेकर आ गई हूँ नेपाल्स मोटर्स पे, जहाँ आपको कमर्शियल के साथ साथ बस भी देखने को मिल रही हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं आपको कितनी बस दिखाने वाली हूँ। तो 3 से 4 बस मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ, और पहली बार मैं बस की वीडियो बना रही हूँ तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ़ करना, पहले ही सॉरी बोल रही हूँ मैं आप लोगों को। बाकी बस आप देख सकते हैं, एक ये खड़ी है, 2, 3, 4 वो, मतलब 5 मैं दिखाने वाली हूँ आपको मिनिमम, और इससे आगे भी आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि दोस्तों पता है स्कूल इसी साल खुले हैं तो बस काफ़ी सेलिंग हो रही है। इस टाइम सेलिंग का टाइम चल रहा है बसों का, क्योंकि 3 साल बाद स्कूल खुले हैं तो सभी जो सेलिंग बस थी वो सब खरीद रहे हैं अब। तो मेरा मेन मोटिव यही है, क्योंकि काफ़ी मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो लोग अपना नया नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। कोविड अभी ख़त्म हुआ है स्टार्टिंग में, सो सबका अपना अपना बिज़नेस है, तो कोई कमर्शियल से जैसे कि बुलेरो पिकअप या और भी गाड़ियाँ ले लेके कर रहा है। तो जिनको ड्राइवर जो हमारे हैं, जो स्कूल बसेस ले चलाते हैं, जो नई नई ले पा रहे हैं, सेकेंड हैंड से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो खासकर है। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जहाँ के ओनर हैं उनको हम बुला लेते हैं। सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। सो अभी तक सर के बुलेरो पिकअप दिखाई थी मैंने आपको, छोटा हाथी भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। सो सर के अब मैं बस दिखाने वाली हूँ, और आइसर की वीडियो भी आपको नेक्स्ट ज़रूर मिलेगी, तो उसके वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। बस अभी बस दिखा रहे हैं तो हम बस ही दिखा लें। सर, कौन सा मॉडल होने वाला है ये? ये है 2016 मॉडल 52 सीटर। 2016 मॉडल 52 सीटर बस है, MP09 है, लोकल नंबर आपको मिल रहा है। बाकी गाड़ी की कंडीशन आप लोग देखिए, बिल्कुल गाड़ी जो हमारा हमेशा का मोटिव रहता है कि हम लोग आपको इसकी भी वारंटी देंगे 6 महीनों की। जी, तो इंजन की 6 महीने की वारंटी है हमारी तरफ से वापस से, जो आपको हर बार हम देते ही हैं। बिल्कुल। दोस्तों कैसा, उसके बाद में इन गाड़ियों का भी यही रहेगा कि आप इनको चेक करवा सकते हो, कहीं से भी कोई भी गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है। जी, बच्चों के लिए गाड़ी है तो सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से गाड़ी वेल मेंटेन्ड है, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं है। सर क्या देखो, एक ये डेंट, मतलब ये थोड़ा सा स्क्रेच है सर ने अभी, वो भी कवर नहीं कराया है। जो जेन्युइन है वो आपको चीज़ मिल रही है। अगर चाहते वीडियो बन रही है तो हल्के हल्के इसको कवर करवा सकते थे, बट जो सर को जेन्युइन चीज़ देनी है, सर का काम सिर्फ वही है कि हमें जेन्युइन चीज़ आप लोगों तक पहुंचानी है, तो हम लोग सिर्फ जेन्युइन चीज़ आपको देते हैं। प्राइस क्या होने वाला है सर इसका? इसका प्राइस होने वाला है 13,25,000 रुपये। 13,25,000 रुपये प्राइस है। 2016 मॉडल है। 2016 सर, एक्स शोरूम क्या प्राइस है इसका? एक्स शोरूम इसका प्राइस जाना चाहिए 24 लाख के ऊपर। 24 लाख के ऊपर एक्स शोरूम प्राइस है इसका। एक बार मैं आपको अंदर दिखा देती हूँ गाड़ी की कंडीशन, तो थोड़ा बहुत कम आपके कस्टमर्स के लिए हमेशा कम किया है, आगे भी कम करेंगे। ठीक है, आप लोगों को जैसा का पता है पिछली वीडियो में सर ने मेरे थ्रू, अगर आप मेरे थ्रू आते तो आपको 10,000 का डिस्काउंट दिया था, तो इस बार भी सेम वही डिस्काउंट आपको मिल जाता है। और जैसे कि सर ने कमर्शियल पे बुलेरो वगैरह पे जो 6 महीने की वारंटी दी थी इंजन की, वो आपको बसों में भी 6 महीने की वारंटी आपको दी जा रही है। अंदर से कंडीशन आप देखें तो काफ़ी बेहतर कंडीशन आपको मिल रही है गाड़ी की। बाकी चलिए, अब मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है तो मैं आपको और भी गाड़ियाँ दिखा देती हूँ। सर, नेक्स्ट हमारे पास कौन से मॉडल की होने वाली है? नेक्स्ट हमारे पास है 2015 16 देखा था, अब हम 15 देख लेते हैं। ये कितने सीटर है सर? ये 15 सीटर है, जो छोटे बच्चों के लिए रहता है, मतलब आप ये मान लीजिए प्राइमरी जो रहते हैं, छोटे किड्स के लिए, उनके लिए सफिशिएंट रहती है बस। बिल्कुल। जो नॉर्मल कॉलोनी से बच्चों को उठाना है, जो प्राइमरी स्कूल रहता है, वो क्योंकि घर के पास लोग प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पे बड़ी बसेस नहीं जा सकती, तो उनके लिए छोटी बसेस रहती है। बिल्कुल। और जिनका बजट कम है उन लोगों के लिए अच्छा प्राइस, अच्छा मतलब अच्छा डील होने वाली है। सर, इसका प्राइस क्या रखा आपने? इसका प्राइस है 7,15,000 रुपए। 7,15,000 रुपए इसका प्राइस है। थोड़ा बहुत कम तो बनता है, कम तो बनता ही है, वो आपके कस्टमर्स के लिए हमेशा रहेगा ही। बिल्कुल, जो भी हमारी फैमिली है जी, के लिए हम हमेशा। बाकी तो करेंगे, कंडीशन मैं आपको दिखा देती हूँ गाड़ी की, काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाती है। जगह थोड़ी सी कम है तो मैं आपको ठीक से नहीं दिखा पा रही हूँ, पर मेरी कोशिश है कि मैं आपको गाड़ी अधिकतर ज़्यादातर पूरी तरीके से दिखाऊँ।
बाकी आइए एक बार मैं तो आपको अंदर से इसका दिखा देती हूँ। सारी गाड़ियों में आपको किसी भी गाड़ी में एक साल तक कुछ भी नहीं करवाना है, आपको हम पेपर हमेशा सब गाड़ियों के कंप्लीट देंगे। ओके। गाड़ी की सर्विसिंग करवा के, ऑयल फिल्टर चेंज करवा के, सब कुछ हम लोग ऐसा देंगे कि आपको एक महीने एक साल तक आपको गाड़ी में कुछ भी काम कराने की कोई जरूरत नहीं। आपने सब गाड़ी यहाँ से लेके जानी है और गाड़ी में कुछ नहीं करवाना, एक साल तक भी कुछ नहीं बिगड़ा तो उसके आगे भी कुछ करवाना ही नहीं है आपने, जब तक कुछ खराब ना हो। और फाइनल प्राइस आपको सर बता ही चुके हैं कि सर 7 लाख कितने बताया था आपने? 7,15,000 रुपये। 7,15,000 रुपये, उसमें थोड़ा बहुत आप लोगों की नेगोशिएबल हो जाएगा। सर फाइनेंस क्या रहेगा अपने यहाँ? जी फाइनेंस हम लोग हर बार की तरह इस बार भी अवेलेबल करवाएंगे, बैंक से करवाएंगे 80% से 90%, और जिनका थोड़ा सा सिविल खराब होगा उनके लिए हम लोग इन हाउस फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध जरूर करवाएंगे। ओके। सिविल मीन्स सर का कहना यह है जो लोग को बैंक फाइनेंस नहीं देती है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सर हाउस फाइनेंस प्रोवाइड भी करते हैं, जैसे कि आप लोगों को बैंक फाइनेंस नहीं दे रही है तो आपको 60% तक का फाइनेंस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर दे देते हैं और 40% आपका डिस्काउंट डाउन पेमेंट लग जाता है। बाकी नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट बस हमारे पास कौन से मॉडल की होने वाली है सर? ये वाली देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ये वाली गाड़ी है ये है 2015 मॉडल। जी ठीक है। ये है 52 सीटर। जी 52 सीटर। 52 सीटर है गाड़ी और इसकी जो डिमांड है वो है 8 लाख रुपये। 15 मॉडल है, 52 सीटर है। हाँ। और 8 लाख? 8 लाख इसकी डिमांड है। 8 लाख डिमांड है। एक बार गाड़ी की कंडीशन आई है मैं आपको दिखाती हूँ। सर नई सीट कवर डलिए? जी हाँ, इसके अंदर सीट कवर भी नए डलवाए हैं। आप एक बार अंदर जाके दिखाइए गाड़ी की कंडीशन, आप लोग अंदर से देख सकते हैं। आपको सारे सीट कवर्स पूरे ए टू जेड आपको सारे सीट कवर्स नए मिल जाते हैं। गाड़ी की कंडीशन काफ़ी बेहतर है 2015 मॉडल के हिसाब से। 8 लाख इसका प्राइस है और जैसे कि आपको पता है नेगोशिएबल आप लोगों के लिए हमेशा रहेगा थोड़ा बहुत मेरी तरफ से। गाड़ी की कंडीशन पूरी जेन्युइन है। बाकी चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट दिखा देती हूँ। जगह थोड़ी सी कम है दोस्तों, तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि गाड़ी सही से नहीं दिख रही होंगी, पर आपको अगर इनकी पिक्स चाहिए तो सर का नंबर आपको वीडियो के लाइन में शो हो रहा होगा, आप सर को कॉल करके पिक्स मंगा सकते हैं और यहाँ का एड्रेस जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर ये कौन सा मॉडल होने वाली है? ये है 2010 मॉडल। 2010 मॉडल। हाँ जी ठीक है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने 16 मॉडल दिखाया, 2 15 मॉडल की दिखा चुके हैं, अभी हम 10 मॉडल की भी दिखा देते हैं। 52 सीटर से ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि कार्स की, जैसे कि ज़्यादातर मैं वीडियो कार्स की बनाती हूँ तो मुझे कार्स की नॉलेज है कि 2010 से नीचे के जो मॉडल होते हैं वो फाइनेंस नहीं होते। सो कमर्शियल में भी ये अपने हाँ है कि 2010 से कमर्शियल में हो जाता है, हो जाता है, तो ये 2010 मॉडल है ये फाइनेंस हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, क्या प्राइस रखा है? 12 साल से पुरानी गाड़ियाँ फाइनेंस नहीं होती है, उसके पहले की हो जाती है, उससे पहले की तो इस साल ये फाइनेंस हो जाएगी। इस साल फाइनेंस हो जाएगी ठीक है। तो इसका प्राइस अपन क्या रख रहे हैं? इसका प्राइस भी 8 लाख रुपये। इसका प्राइस भी 8 लाख है। तो सर जैसे कि अपन इसको फाइनेंस कराएंगे तो इस पर अपन को कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा मिनिमम, जितनी भी अपन ने गाड़ियाँ दिखाई उन सब पे? अगर आप ये मान के चलिए कि अगर कोई भी गाड़ी हम लेने आएंगे अगर उनका सिविल बहुत अच्छा है, कि अगर उनको 80% अगर फाइनेंस की अगर हम लोग बात करके चले तो होता है 6,40,000 रुपये। 6,40,000 रुपये उनका फाइनेंस हो जाएगा तो आप ये मान के चलो 1,60,000 रुपये उनका डाउन पेमेंट रहेगा और 30,000 रुपये जो आरटीओ चार्जेस लगते हैं वो लगेगा। ठीक। बसेस में इन सब में थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। अब मान लो कि अगर आप 90% फाइनेंस करवा रहे हो तो आपका 1 लाख में काम हो जाएगा। अगर कुछ कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं अगर आपका सिविल अच्छा है तो इन गाड़ियों पर आपको 100% फाइनेंस भी मिल सकता है। बिल्कुल। वो आपके ऊपर है जो आपका पुराना रिकॉर्ड है। तो हम तो कोशिश यही करते हैं कि हम 95-100% सामने वालों को फाइनेंस सुविधा प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम एक डाउन पेमेंट आप बताइए सब गाड़ियों के लिए? बसेस के लिए आप ये मान के चलिए कि आपको 1 से 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। 1.5 लाख हम लेके चलते हैं जी। 1.5 लाख में आपको यहाँ पे कोई सी भी बस मिल जाएगी फाइनेंस पर, ठीक है? वरना आप लोग फोन करके पूछते हो 1.5 लाख में हमें ये वाली बस मिल रही है, इस चीज़ को नोट कर लेना फाइनेंस पर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आइए सर नेक्स्ट हमारे पास कौन से मॉडल की होने वाली है? जो आपके राइट साइड पे वो है 2013 मॉडल। 2013 मॉडल ठीक है। सो ये कौन सा मॉडल बताया सर आपने? ये है 2013 मॉडल। 2013 मॉडल ठीक है। ये है 52 सीटर्स। 52 सीटर्स ये भी? जी जी। आप लोग गाड़ी की कंडीशन देखिए, यहाँ पर जो जेन्युइन है आपको वही मिल रहा है। अगर स्क्रैच भी है तो वो भी आपका जेन्युइन मिल रहा है। स्क्रैच पे भी सर ने अभी तक टच नहीं कराए हैं। बाकी एक बार मैं आपको साइड से भी दिखा देती हूँ।
सर ये स्कूल बस नहीं है, ये जो ड्राइवर्स जो हमारे हाईवे पर चलते हैं ये भी स्कूल परमिट पे ही है, स्कूल परमिट पे ही है। हाँ जी, बसेस जो रहती हैं वो आप स्कूल परमिट पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन रहता है हमारे पास। हाँ ये आपके पास ऑप्शन रहता है, आरटीओ में से कुछ खर्चा लगता है जी, वो इंक्लूड करके ही आपको सब चीजें बताते हैं। तो ऐसे कि ये अभी आपको स्कूल पे चलाना है तो आप स्कूल पे चला सकते हैं, चला सकते, कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, प्राइस क्या होने वाला सर इसका? इसका प्राइस है 9.5 लाख रुपए। 9.5 लाख रुपए प्राइस है, नेगोशियेबल प्राइस तो नहीं है, पर मेरे थ्रू आपको 10-5 हज़ार का नेगोशियेबल मिल जाएगा। ठीक, और सर नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है? ये भी है, ये भी है, ये है 2016 मॉडल, ये स्टाफ बस थी, स्टाफ बस। तो आप इसका कंडीशन देखोगे तो स्टाफ के लोग तो क्या बस सुबह जाते हैं वापस आते हैं, रेगुलर दिन में 2 बार ये गाड़ी चलती थी जी। इसको आप लाइन पे भी चला सकते हो, इसको आप स्कूल में भी चला सकते हो, हम इसको कन्वर्ट करवा के दे सकते हैं जी। आप इसको पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकते हो, कि अगर आपकी खुद की कंपनी वगैरह है उसमें आप इसको, आपके पास सारे ऑप्शन है, आपको जो ऑप्शन बेटर लगा है आप उस ऑप्शन पे इसको चला सकते हैं। ये 42 सीट, एक बार गाड़ी की कंडीशन में आपको दिखाती हूं, 42, ये 42 सीटर है। ठीक है, 42 सीटर है ये। हाँ जी, ये 42 सीटर। ठीक है, गाड़ी की कंडीशन आपको देख सकते हैं। बाकी सर इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसका प्राइस होगा 13,25,000 रुपये। 13,25,000 रुपये इसका प्राइस है, और फाइनल प्राइस है सर क्या? और नेगोशिएबल थोड़ा बहुत आपको ऑन टेबल, देखो हम सारी प्राइसेस फाइनल ही बताते हैं जी, बाकी आपके कस्टमर्स के लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ करना रहता है, तो वो 10-15 हज़ार का मान सम्मान हम जरूर रखेंगे। ठीक है, और फाइनेंस सर इस पे कितना हो जाएगा अपना? इस पे आप मान के चलिए कि इस पे 90% से 80% फाइनेंस हो जाएगा, जो भी अब इसका कस्टमर के ऊपर रहेगा। डाउन पेमेंट आप ये मान के चलो इसमें आपको 1 से 1.5 लाख रुपए लगेगा, थोड़ा 13 लाख की गाड़ी है तो थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, बेस करता है कस्टमर के ऊपर। तो अगर कस्टमर की प्रोफाइल ओके है तो 2 लाख रुपए लगेंगे, अच्छी है तो 1.5 लाख रुपए में भी काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ का एक बार एड्रेस सर से मैं जान लेती हूँ। सर ये सारी गाड़ियाँ, ये सारी बस हमें काम मिलने वाली हैं? ये सारी बसेस आपको यहाँ पे राजू मोटर्स करके हमारा आउटलेट है जहाँ पे हम बसेस का पूरा डील करते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी सर का एड्रेस एक बार प्रॉपर मैं बता देती हूँ। सर इंदौर में अपने यहाँ, जैसे कि कोई हमारे इंदौर के बाहर से कस्टमर आते हैं तो वो आपके यहाँ तक कैसे पहुँचे, आप उसका एक आसान सा तरीका और बता दीजिए। सबसे ज़्यादा फेमस हमारे यहाँ पे इंदौर में चोईथराम हॉस्पिटल है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे हर कोई इस चीज़ को जानता ही है जी। आप चोईथराम हॉस्पिटल पे आएंगे, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मेरे 3 यार्ड मिल जाएंगे। ठीक है, सर के पास सारी गाड़ियाँ अवेलेबल रहती है कमर्शियल में, व्हीकल्स से लेके आपको ट्रक चाहिए, पिकअप चाहिए, छोटा हाथी चाहिए, बस चाहिए, जो आपने चाहिए वो सारी गाड़ियाँ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और कार्स की वीडियो भी सर के यहाँ मैं जल्दी आपको दिखाऊंगी, अगली बार आपको जब मैं यहाँ इंदौर आऊँगी तो आपको सर के यहाँ कार्स ज़रूर दिखाऊंगी। बाकी इस वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।